जिन जिन ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए यहाँ पे हमारा चैनल सर्च करेंगे और यहाँ पे हमारा देख सकते हो चैनल आ जाएगा, उस पर जाकर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे घंटी का बटन आएगा तो घंटी के बटन को ऑन नोटिफिकेशन में कर देना ताकि जो भी वीडियो डले कोई भी पोस्ट आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देख सकते हो हमारे पास जो फ़ोन है यहाँ पे वीवो का Y53 मॉडल है इसका। और चलिए यहाँ पे मैं इसका लॉक खोल के पहले इसका मॉडल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मॉडल नंबर है 1606 जिसको हम Y53 कहते हैं, Y53। और यहाँ पे आज हम इसको फ्लैशिंग करेंगे, कैसे करेंगे वो बताएंगे इस वीडियो की मदद से। दोस्तों कई बार क्या होता है कि कुछ भाई हमारे ऐसे भी हैं कि फ्लैशिंग करते समय इसका IMEI गायब कर देते हैं, तो आज थोड़ा सा बस इन्फॉर्मेशन रहेगा इस वीडियो में कि अगर आपको फ्लैशिंग करनी है तो कैसे करना है कि इसका IMEI भी मतलब उड़े ना फ्लैशिंग करते समय। जैसे कि हमारे में IMEI है देख सकते हो 398 और 380 लास्ट में, तो मतलब IMEI भी हमारा सेफ रहे और फ्लैश भी हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम IMEI भी मतलब उड़ा देते हैं, बेसबैंड अननोन हो जाता है फ्लैशिंग के टाइम। तो आज हम इसका फ्लैश करेंगे, वो भी एकदम लेटेस्ट फाइल से करेंगे और ये भी देखेंगे कि फाइल वर्क करती कि नहीं करती और डेड तो नहीं होता है, कोई डेड इश्यू तो नहीं, जो भी होगा क्लियर होगा दोस्तों। और यहाँ पे ये इसको आपको बैक को ओपन कर लेना है और ये मैं पहले ही से ओपन खोल के रखा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। और दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हो ये दो ठो पॉइंट लिखे ये दिख रहे हैंगे, तीन पॉइंट है अगर आप इसको निकालोगे तो। इस तरफ से ये दो पॉइंट जो होते हैं तो ये EDL पॉइंट है, इसको जब अपन चिमटी की मदद से शॉर्ट करेंगे तब जाके फ़ोन हमारा कनेक्ट होगा, तो ये EDL में फ़ोन होगा कनेक्ट। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ, फाइल को टूल से लोड करने के बाद इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों हमने फाइल और टूल को डाउनलोड कर लिया रहा और कहाँ गया हमारा न्यू फोल्डर 3 के नाम से एक हमारा ये हमारा फोल्डर है दोस्तों देख सकते हो। और इसके अंदर ये हमने एक टूल डाउनलोड किया है, ये फाइल है और एक ये फाइल है। तो हमने ये देख सकते हो अभी की ये लेटेस्ट 3.22 की फाइल को डाउनलोड करके आपको क्या करना है, डाउनलोड हो जाएगी तो आपको फाइल में आके राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। और फाइल के अंदर चलेंगे तो ये देख सकते हो ड्राइवर्स वगैरह इसके अंदर खैर होगा कुछ नहीं, तो ड्राइवर डाउनलोड कर लेना, टूल डाउनलोड कर लेना और ये फर्मवेयर है। तो दोस्तों ये हमारी फर्मवेयर है, तो चलिए इसको कट करेंगे। और अब हम अपना क्यूफिल QPST टूल एक ही होता है, तो आप चाहे क्यूफिल कह सकते हो या QPST टूल, सेम मतलब दोनों का इंटरफेस सेम है, तो मतलब टूल एक जैसा ही इंस्टॉल करोगे तो आप क्यूफिल के नाम से आएगा। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ अपने टूल को, आपको टूल को भी ऐसे ही जैसे आपने फाइल को एक्सट्रैक्ट किया वैसे ही टूल को भी करना है एक्सट्रैक्ट। इसको कट कर देता हूँ, डबल ओपन हो गए हैं तो थोड़ा सा साइड में करूँगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, आपको फ्लैट बिल्ट में जाना है और यहाँ पे फाइल ऑलरेडी लोड दिखा रही है, चलिए कोई नहीं, ये ब्राउज़ पे जाना है। अब आपको ये लोकेशन पूछेगा जहाँ आपकी फ़ाइल हो, तो हमारी डेस्कटॉप पर फाइल थी डेस्कटॉप में न्यू फोल्डर 3 के अंदर और ये वीवो Y53 देख सकते हो, इस पर डबल क्लिक करेंगे फिर ये इस टाइप का फोल्डर आया, तो आपको फर्मवेयर पे जाना है और ये प्रोग्राम MMC फायर हाउस की फ़ाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर देंगे। अब आपको यहाँ लोड XML पे जाना है। अब आपसे ये देख सकते हो बहुत सारी फाइलें हैं, ये आप कई बार कई लोग ऐसे करते हैं कि रॉ प्रोग्राम अनस्पेयर, तो दोस्तों ये नो QCN मतलब आप ये फाइल भी लोड हो जाएगी और आपका QCN भी नहीं हटेगा, अपना जो IMEI जो राइट रहता है वो QCN फाइल के अंदर ही राइट होता है। तो दोस्तों आपको ये रॉ प्रोग्राम अनस्पेयर नो QCN वाली को ही सिलेक्ट करना है, इससे आपका IMEI नहीं उड़ेगा और सेफली एकदम हो जाएगा। फिर ये जब आपको इस ओपन करोगे तो एक ये पैच जीरो से सिलेक्ट करके इस पर ओपन कर देना, तो यहाँ अब आपकी फ़ाइल हो चुकी है लोड। तो दोस्तों याद रहे नो रॉ प्रोग्राम अनस्पेयर वाली फ़ाइल को ही आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं अब चिमटी देख लेता हूँ मेरी चिमटी कहाँ है, तो उसकी मदद से मैं इसको शॉर्ट करूँगा ताकि ये फ़ोन हमारा कनेक्ट हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा फ़ोन है और इस पर लॉक लगा हुआ है, तो इस पर 00 करके ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे एक बार बैटरी को निकाल के इस पर लगा देता हूँ और ये मैं USB केबल को लगा देता हूँ ताकि डेटा केबल को अपनी फ़ोन हमारा स्विच ऑफ हो जाए। उसके बाद आपको ये जो दो पॉइंट हैंगे दोस्तों मैं थोड़ा सा जूम करूँगा ताकि आपको ये दिख सके, तो ये जो दो पॉइंट है इसको ऐसे चिमटी रखना है और अब आपको यहाँ पे चिमटी रख के ये डेटा केबल को इंसर्ट कर देना है। तो ये देख सकते हो दोस्तों टूल के अंदर ये कॉलकॉम पोर्ट दिखा दिया छोड़ दिया है दोस्तों सॉरी।
एक बार फिर से मैं लगाऊंगा, इसको निकाल के दोबारा से लगा दूं, फिर से शॉर्ट करता हूं और कनेक्ट करूंगा। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे यूएसबी प्रॉब्लम कर रही है, तो इसको मैं यहीं लगे रहने देता हूँ, मैं सिस्टम की तरफ से लगाऊंगा, इसको शॉर्ट करूँगा फिर से। तो कनेक्ट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हो, और टूल हमने लोड कर लिया रहा। तो थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, और ये डाउनलोड है हमारा स्टार्ट का बटन, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे और थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए हमारी फ्लैशिंग, फिर मैं आपको दिखाऊंगा सिस्टम के तरफ हमारी जो फ्लैशिंग चल रही है कि नहीं चल रही, जो भी होगा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं सिस्टम के तरफ आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो फ्लैशिंग चल रही है, और फाइल का नाम भी देख सकते हो, हल्का हल्का देखोगे तो आपको दिख रहा है Y53, ये देख सकते हो। और मेरी सिस्टम की थोड़ी स्क्रीन ख़राब हो गई, इसलिए वो नीचे ग्रीन कलर का दिख रहा है, और नीचे देख सकते हो ये ब्लू कलर की लाइन चल रही है। दोस्तों चलिए अपने फ़ोन के तरफ आ जाऊँगा फिर से मैं, और यहाँ पे करूँगा वेट। फ्लैश होने के बाद फ़ोन देखेंगे हमारा, मतलब कोई डैड इशू तो नहीं हुआ या IMEI वगैरह तो नहीं उड़ी, सब कुछ क्लियर है कि नहीं, जो भी होगा एकदम सामने होगा दोस्तों, और कोई घबराने की बात नहीं है। डैड होगा तो दूसरी फाइल से फ्लैश कर लेंगे हम, फाइल ही का तो वर्ज़न ही का तो खेल हैगा सब। और दोस्तों इन सब चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखना कि कनेक्टर आपका प्रॉपर वर्क करना चाहिए, जैसे कि मेरा तो देखिए थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए हमने थोड़ा फंसा के ऐसा छोड़ा कि हिलेगा भी नहीं, डिसकनेक्ट होने के कारण ही फ़ोन हमारा डेड होता है, ऐसे नहीं होगा, या वर्ज़न सही नहीं होगा या फाइल में कुछ मिसिंग होगा इसीलिए डेड हो सकता है फ़ोन। तो थोड़ा सा वेट करूँगा, तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो फ्लैशिंग डन होने वाली है, तो थोड़ा सा मैं आपको सिस्टम के तरफ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, तो डाउनलोड सक्सेस लिख के आ जाएगा, देख थोड़ा सा देखना आप दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो ये ब्लू ब्लू सा डाउनलोड सक्सेस आ चुका है लिख के। तो चलिए मैं मोबाइल की तरफ चलूँगा अब, और इसको डिसकनेक्ट कर देता हूँ अब, और बैटरी को निकाल के सेट को कर देता हूँ ऑन। सेट को कर देता हूँ ऑन, और इसके नट बोल्ट वगैरह सब कस देता हूँ दोस्तों, जब तक ये लोडिंग लेगा जब तक मैं ये कस देता हूँ, फिट कर देता हूँ इसका सारा।
यहाँ पे हमारा जो फ्लैश हो चुका है और वेट करेंगे अब, थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग के लिए, तो हम वेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा ये देख सकते हैं फ़ोन का सेटअप आ चुका है। तो चलिए सेटअप कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों देख सकते हैं फ़ोन हमारा बिल्कुल ऑन हो चुका है। सेटिंग्स पे चल के आपको जो वर्ज़न की मैंने फ्लैशिंग की वो वर्ज़न भी दिखा देता हूँ, 3.22 था जो। तो चलिए, तो देख सकते हो दोस्तों ये EX 3.22 वर्ज़न है और IMEI नंबर जैसा कि 398380। देख सकते हो 398380 IMEI नंबर, और IMEI नंबर भी सेफ है हमारा, फ़ोन भी फ्लैशिंग हो गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और आपसे आप सभी से माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मेरा वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है। कोशिश में मैं लगा हूँ कि आपको जल्द से जल्द वीडियो रोज़ वीडियो दूँ मैं आपको।